मैं मोहित अवस्थी, आपके अपने चैनल स्टडी विथ मोहित सर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और एक दो दिन से क्लास मैं पोस्ट नहीं कर पा रहा था, उसका कारण ये था कि मुझे दो तीन दिन से फीवर है, तो फीवर में कुछ मन नहीं कर रहा था। आज थोड़ा तबीयत सही हुई है तो मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। तो चलिए कुछ पढ़ाते हैं आप लोगों को। शायद मैंने टिश्यू बताया था और कोशिका वाला चैप्टर करा दिया था पूरा, उसके बाद प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल, वाटर, ये सारी चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें, तो उसी में से क्रम से सीरियल से कुछ ले लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट बता देते हैं आज आपको, अक्सर प्रश्न भी पूछा जाता है ना। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से सबसे जल्दी ऊर्जा मिलती, इंस्टेंट एनर्जी मिलती। जैसे अभी मुझे फीवर है, तो थकान क्या है, ज़्यादा लगेगी, और मुझे तुरंत एनर्जी की ज़रूरत हो तो मैं क्या खाऊंगा, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट खाने से मुझे एनर्जी मिलेगी। क्लियर ना। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से करीब 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितना मिलती है, 4.3 किलो कैलोरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी ऊर्जा मिलती है तो क्या बताएंगे, 4.3 किलो कैलोरी। पूछा जाएगा कौन कौन से तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो क्या बताएंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उनका रेशियो क्या होता है, 1:2:1 होता है। क्लियर रहिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जैव क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो क्या बताएंगे, कार्बोहाइड्रेट, जो हमारी बायोलॉजिकल क्रियाएं होती। जैसे अगर देखा जाए तो जो मैं पढ़ा रहा हूं ये भी क्या है, बायोलॉजिकल क्रिया है, तो इसके लिए एनर्जी का स्रोत क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है ना। एक चीज और याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, कौन कौन से, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जो हैं वो जल में घुलनशील और स्वाद में मीठे होते हैं। क्या याद रखेंगे कि मोनोसैकेराइड जल में घुलनशील और स्वाद में मीठे होते हैं। क्लियर है ना। मोनो का मतलब क्या होता है, एक, और सैकेराइड वास्तव में कार्बोहाइड्रेट की यूनिट है। सैकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट की यूनिट है, इकाई है, और मोनो का मतलब क्या होता है, एक। ये क्लियर है ना। मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल से प्रश्न बनते हैं, तो इसके एग्जाम्पल में क्या बता देंगे, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज और गैलेक्टोज। जैसे सैकेराइड को कार्बोहाइड्रेट की यूनिट माना जाता है, वैसे ही ग्लूकोज को भी कार्बोहाइड्रेट की इकाई माना जाता है। क्या माना जाता है, कार्बोहाइड्रेट की इकाई या यूनिट। क्लियर रहिएगा। अब देखिए, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं, सेलुलर फ्यूल, क्योंकि जो हम लोग भोजन करते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के ही हमारी कोशिकाओं में पहुंचता है, और फिर ये ग्लूकोज भी एटीपी में कन्वर्ट होता है, या क्या कह सकते हैं, एटीपी में टूटता है, तभी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होती है, एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्लियर है ना मेरी बात। दूसरी बात याद रखिएगा, फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज फलों और शहद में पाई जाने वाली शर्करा है। किसमें पाई जाती है, फ्रूट्स में और हनी में, मतलब फल और शहद में पाई जाने वाली शुगर फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज सभी शुगर्स में, सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा है। फ्रक्टोज
सभी शर्कराओं में, सभी सुगर्स में सबसे मीठी शर्करा है, ये याद रखिएगा। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, बचा क्या? राइबोज। राइबोज डीएनए और आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोनों में देखिए, राइबो यानी राइबोज सुगर किसमें? डीएनए और आरएनए में। डीएनए और आरएनए में कौन सी सुगर तो राइबोज सुगर किसमें पाया जाता है? डीएनए और आरएनए में। ये क्लियर है ना भैया? अब बचा क्या है? गैलेक्टोज। जब ग्लूकोज और लैक्टोज मिलता है तभी क्या बन जाता है? गैलेक्टोज। ये पूरा था मोनोसैकेराइड। अगला है डाईसैकेराइड। डाई का मतलब होता है 2 से 10 तक, और सैकेराइड तो कार्बोहाइड्रेट की यूनिट है ही। सैकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट की यूनिट है, और डाई का मतलब क्या हो जाएगा? 2 से 10 तक। एग्जाम्पल में क्या बताएंगे? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। डाईसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज गन्ने और चुकंदर में पाई जाने वाली शर्करा है। किसमें पाया जाता है? गन्ने में और चुकंदर में। चीनी बनती है दोनों से, गन्ने से भी और चुकंदर से भी। अगला है माल्टोज। डाईसैकेराइड के एग्जाम्पल की ही बात कर रहे हैं। माल्टोज किस में पाया जाता है? अंकुरित बीजों में, जैसे चना, मूंग, सोयाबीन, इनको क्या करते हैं? भिगो देते हैं, और भिगोने के बाद इसमें कौन सी सुगर उत्पन्न हो जाती है? तो क्या बताएंगे? माल्टोज। अंकुरित बीजों में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? माल्टोज। अगला याद रखिएगा, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज बचा डाईसैकेराइड में। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। दूध हल्का कैसा होता है? मीठा होता है, चेक करिएगा, और ना मीठा लगे तो थोड़ा उसे गाढ़ा कर दीजिए। जब गाढ़ा करेंगे तब आपको उसके मीठेपन का एहसास हो जाएगा। उसमें सुगर कौन सी होती है? लैक्टोज। आपने देखा होगा पहले जो लोग दूध बेचते थे, पहले लोग दूध क्या है बेचते थे, अब तो मशीन आ गई है। पहले क्या होता था? लैक्टोमीटर, उससे क्या करते थे? चेक करते थे सुगर का लेवल दूध में, और उसी के हिसाब से रेट लगता था। इसलिए प्रश्न पूछा जाता है दूध का घनत्व किससे मापते हैं? तो क्या बताएंगे? लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता या घनत्व या डेंसिटी घुमा के प्रश्न पूछ लेते हैं, सबके लिए आप क्या बताएंगे? लैक्टोमीटर। क्लियर है ना? मोनोसैकेराइड भी कैसे थे? जल में घुलनशील और स्वाद में मीठे। डाईसैकेराइड भी कैसे हैं? जल में घुलनशील और स्वाद में मीठे। तो डाईसैकेराइड और मोनोसैकेराइड मैंने आपको बता दिया है। अब बचा क्या है? पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब होता है अनेक या बहुत सारे, या कह सकते हैं 10 से अधिक अणु अगर हैं तो उसी को क्या कह दिया जाएगा? पॉलीसैकेराइड। सैकेराइड तो पहले से पता है कार्बोहाइड्रेट की क्या है? इकाई है। पॉलीसैकेराइड ना तो जल में घुलनशील होते हैं और ना ही स्वाद में मीठे होते हैं। क्लियर है ना? पॉलीसैकेराइड ना तो जल में घुलनशील हैं और ना ही स्वाद में मीठे, याद रखिएगा। एग्जाम्पल में क्या बताएंगे? स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। एग्जाम्पल में क्या बताएंगे? स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। स्टार्च किसमें पाया जाता? आलू और अनाज में। चावल का जो माड़ होता है, चावल उबालो तो ऊपर जो सफेद पानी निकलता, उसमें भी क्या होता है? स्टार्च। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि पौधों में भोजन किस रूप में संचित रहता है, तो क्या बताएंगे? स्टार्च के रूप में। एक साइकस का पौधा होता है, जिम्नोस्पर्म परिवार का पौधा है। बॉटनी में मैं आपको बताऊंगा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये क्लासिफिकेशन है प्लांट का। तो जिम्नोस्पर्म परिवार का एक पौधा है साइकस, और साइकस के तने में
स्टार्च संचित रहता है। क्या संचित रहता है भैया? स्टार्च संचित रहता है, और उसी स्टार्च से साबुदाना बनाया जाता है, याद रखिएगा। पूछा जाएगा साबुदाना के बारे में, तो क्या बताएंगे? साइकस के तने में स्टार्च संचित रहता है जिससे साबुदाना बनाया जाता है। क्लियर है ना? मैंने पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल में स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज बताया है। स्टार्च हो गया। ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन क्या होता है? जब एक्सेस मात्रा में, यानी अधिशेष या अधिक मात्रा में ग्लूकोज लेते हैं, तो वही ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और लीवर के पास में स्टोर हो जाता है। सॉरी, थोड़ा थोड़ा खांसी भी आ रही है। मैंने क्या बताया है कि एक्सेस मात्रा में या अधिक मात्रा में जब हम ग्लूकोज लेते हैं तो वही ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। कहां? लीवर के पास में। फिर जब क्या रहते हैं? फास्ट रहते हैं, व्रत रहते हैं, या गुस्से में खाना नहीं खाते हैं। मान लो गुस्सा हो गए, नहीं खाना खा रहे हैं, लेकिन काम तो सब करना पड़ सकता है, तो एनर्जी कहां से आएगी? वही जो एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन आपके पास में है, वही ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता रहेगा और आपकी बॉडी को एनर्जी देता रहेगा। लेकिन उस ग्लाइकोजन से सिर्फ आधे दिन तक ही काम चल सकता है, आधे दिन के बाद नहीं चलेगा। क्लियर है ना? अगला है सेलुलोज। सेलुलोज किसमें पाया जाता है? घास, पत्ती, लकड़ी, गन्ने की खोई, सूती कपड़ा, कागज, इन सब में सेलुलोज पाया जाता है। और सेलुलोज क्या है? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज को पचाने के लिए पहले हमारी बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में, वर्मी फार्म अपेंडिक्स, कृमि रोमी परिशेषिका पाई जाती थी, याद रखिएगा। सेलुलोज को पचाने के लिए बड़ी आंत में वर्मी फार्म अपेंडिक्स या कृमि रोमी परिशेषिका पाई जाती थी, जो अब अवशेषी अंग है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। क्यों है? क्योंकि अब हम लोग उतनी मात्रा में सेलुलोज खाते नहीं है, तो सेलुलोज का पचाने का काम होता नहीं था, तो धीरे धीरे वो क्या बन गया? अवशेषी अंग। आपने पढ़ा भी है कि जिन अंगों का हम यूज करना बंद कर देते हैं वो अंग अवशेषी अंग बन जाते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स बन जाते हैं। जैसे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, निमीशक पटल आंखों में पाई जाती थी, वो भी क्या है? अब अवशेषी अंग है। पहले उसका यूज था, अब नहीं है। कर्ण पल्लो, ईयर पिन्ना पाए जाते थे, वो भी अब क्या है? अवशेषी अंग है। वैसे ही बड़ी आंत में वर्मी फार्म अपेंडिक्स अब क्या है? अवशेषी अंग है। तो एक चीज का याद रखिएगा कि जिन अंगों का हम उपयोग करना बंद कर देते हैं वो अवशेषी अंग बन जाते हैं। ब्रेन का यूज करते रहिए, नहीं तो पता चलेगा कि लोग कहेंगे ब्रेन था, है ना? लोग क्या कहेंगे? ब्रेन था, है ना? आप क्या बन गए? अवशेषी अंग। यूज करिए। वैसे भी ब्रेन का यूज लोग कम ही करते हैं, मैक्सिमम 4-5% ब्रेन का यूज लोग करते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट 7-8% करते हैं, है ना? आप लोग करते रहिए। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। एक और है सैकरीन। सैकरीन क्या है? आर्टिफिशियल शुगर है, कृत्रिम शर्करा है, जो सामान्य शर्करा की अपेक्षा बहुत मीठी होती है, लेकिन इससे एनर्जी नहीं मिलती, याद रखिएगा। पहले बारातों में सैकरीन का शरबत पिला देते थे, मीठा बहुत होता है ना, सस्ता पड़ जाता था। लेकिन ज्यादा मात्रा में अगर किसी ने सैकरीन का यूज कर लिया है तो फिर लूज मोशन शुरू हो जाता है, बच के रहिएगा। आइसक्रीम इंडस्ट्री में आप देखेंगे सैकरीन का यूज होता है, या कुछ ठेले वाले, मैं गारंटी तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन कुछ ठेले वाले भी क्या करते हैं कि सैकरीन का शरबत बना बना करके पिलाया करते हैं। ये सारी चीजें क्लियर। कार्बोहाइड्रेट पूरी तरीके से मैंने आपको बता दिया है, और जो लोग इसको देखेंगे उनका बेहतर ढंग से रिवीजन होता रहेगा। तो देखिए,
और जो लोग पहली बार देख रहे हों वो क्या करें, इसका नोट्स भी बना लें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब है ना शेयर करते रहिए। साथ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।